No, trust me, you'll want to make time for this. Okay. If you're looking for something big to keep your museum in business, well, there's something big on that island. Acha. Real big. So many friends. And even my own son are still out there. Okay. If anyone can bring this thing down, it's you. Ooh. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. Okay. You can help an old friend. Okay. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. शायद ये रहा चूचू चार्ल्स, ये इसके शक्ल से ही लग रहे हैं विनर ने ये इस गेम का। तो गाइस हम लोग को गेम लोड हो चुका है और ये फिर से हम लोग ध्यान से सकते हैं। ओके तो गाइस हम लोग पहुंच गए ये शहर में। Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Okay. वो चार्ल्स इधर सिर्फ एक चीज नहीं जो तुम्हें मार सकते और भी कुछ है। There's a train shed at the top of the hill. Okay. One of the train operators was killed early on by the beast. मतलब कि एक पुराना ये बोल रहा कि एक पुराना ऑपरेटर तो उसको चार्ल्स ने मार दिया उसको और उसको पुराना मतलब इंजन वहीं पर पड़ा है। भाई रुक मेरे लिए ना तेज पीछे चार्ज उठा के भाग गया ना मुझे और खैर नहीं है चलो मैं तेन जीत गया वो रेस कर रहे हैं मुझसे मैं जीत जाऊंगा तुमसे उद्गार तक कहाँ गया ये रबूत सबसे बड़ा भूत तू ही है अच्छा जंप लगा ये गया कहाँ गया दरवाजा खोल यह की भी मैंने देख लिया यह की उठा लिया बकते बकते लोग समझते नहीं ओए मेरा ट्रेन मिल गया मुझे बल्ले मेरा ट्रेन मिल गया देख ले अंदर जाके चेक करता हूँ क्या लिखा है माइंस चार्ल्स कंपनी ओए क्या चीज मिला मुझे ये क्या फंडा है मैं नीचे शॉट कर सामने जा रहा जब इसको बराबर करके शॉट करता हूँ ऊपर जा रहा है ये तो खराब चीज है यार क्या इतना लेग की कर रहा है जल्दी छोड़ते हैं हाँ क्या करूँ ओके ओके समझ गया तो इसको ये मैं बता दूँ ये रिवर्स का है ये फॉरवर्ड का है ब्रेक का है ये चलो तैयार हो मैं तो तैयार हूँ Yeah, we are coming. Do you hear that? It's him. Get to the gun. Mar! ये मार रहा भाई हमें. मेरा दोस्त. किसी को मार. भाई मार दिया इसको. Charles, मेरे दोस्त को तूने मार दिया. Charles. मारा हुआ. टांग तोड़ दी इसको. तो सुन ले तो पता नहीं मजा किस ओके टू एक्सप्लेन तो गाइस ये बोल रहे फाइंड दी एग्स फाइंड माय सन ये तो टपक गया तो मतलब कि बोल रहे फाइंड दी एग्स आई डोंट नो क्यों
फाइंड द एक्स। ये ओए भाई साहब मेरे पास स्क्रैप्स ही नहीं है। स्क्रैप्स से इसका मतलब केस फुल हो जाते हैं और मुझे कहाँ जाना है, मैं कॉल लेता हूँ। अच्छा मुझे जाना है इधर, चेक मार्क लगा देता हूँ, तो वहाँ पर ही आप लोगों से मिलते हैं, बहुत लंबा रास्ता है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए, मैंने ब्रेक भी लगा दिया तो पहुँच गए हम लोग। चल निकलते हैं। ये भाई ये गोली नहीं मारते, ये सब देख रही है, डर लग रहा है। कोई ना चले जाते हैं या पाएं द न्यू कमर। तो गाइस ये मुझे बोल रहा है कि बालकनी में कुछ स्क्रैप्स पड़े हैं, उसने मुझे की भी दे दिया। तो की उसने बोला कि स्टेयर्स बैक साइड पर है, तो मैं बैक साइड पर जल्दी से भगते भगते चलता हूँ। उसने एक और चीज़ बोला कि जिसने मास्क पहना है उसके पास नहीं जाना है, और कुछ सिटीजन भी इधर अभी भी फंसे हुए हैं, शायद जाने नहीं देता होगा। और इधर स्क्रैप्स इकट्ठे इकट्ठे पड़े हैं, और पड़े हैं नहीं, और नहीं पड़े। मैं भगते भगते भाई हेल्थ कम हो गया भाई, तो थैंक यू। तभी से चलते हैं, और ये मैं पहले मैंने कुछ रास्ते में मिल गए तो इन सबको मैं कर लेता हूँ अपग्रेड, एक एक और एक स्क्रैप बचा है। तो जल्दी से भगते भगते चलते हैं, मिलते हैं। और अगला ये जैसे मैंने बोला था, ये वैसी बिल्कुल जगह, यहाँ पर स्क्रैप बहुत मिलेंगी क्योंकि ये भरे हुए हैं कचरे से। मैं जल्दी से चलता हूँ, कहाँ स्क्रैप, ओ एक गन मिल गया। और कहाँ हैं हमें स्क्रैप्स, मुझे स्क्रैप चाहिए, एक मिल गया मुझे अभी फिर से। तो इन सबको छोड़ दो, बाहर में डालो, हम लोग मिशन करेंगे। ये मिशन करने में स्क्रैप्स मिलते हैं तो ढूंढने का काम, मतलब ढूंढने होंगे तो काम मिलेंगे। हाँ भाई बुढ़े है। तो गाइस ये बोल रहा कि मतलब कि वहाँ पर वही जो ये चेस्ट था, ये बोल रहा कि मैं मतलब मैंने अपना पूरा जान लगा दिया, मेरे सारे पसीने निकल गए पर वो मैं खोल नहीं सकता, और मुझे लॉकपिक चलाना भी नहीं आता, तो उसने मुझे लॉकपिक दे दिया। तो ये तो अच्छा से ईजी होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ईजी नहीं ईजी तो यार। जल्दी से भगते भगते चलते हैं, क्या है ऐसे मुझे कुछ स्क्रैप दे दिए, पता नहीं कितने दिए हैं, और कम हुए तुम्हारे खैर नहीं है। ये इतना बड़ा तोप मेरे ट्रेन के पीछे लगा, तुम्हें ही आंखें उड़ाऊंगा इस तोप से। जल्दी से भगते भगते चलते हैं, और कितने स्क्रैप दिए हैं, 28 नो बै, तो इसको अपग्रेड करते हैं। और 13 स्क्रैप बचे, 13 को मैं वेस्ट नहीं करूँगा, अगर आ गया तो मैं उन्हें यूज़ करूँगा। तो कहाँ है ये रेजर मार्क लगा देते हैं, ये पास में ही है, तो मैं तो जम लगा तो ये चार्ल्स को मतलब एक मोटर बैटल में लाना, और उसके लिए इस मतलब शेयर इस मतलब के एक आइलैंड में तकरीबन तीन एग्ज, जो उस बुड्ढे ने बोला फाइंड दी एग्स फाइंड दी सन, तो यहाँ पर तीन एग्ज है, तीन, तो हमें उन तीन एग्स को कलेक्ट करना है और एक टेम्पल में लगाना है जो मिडन में। और ये उस केव का रास्ता है, तो मैं अनजूम कर लेता हूँ, तो टेंपल शायद यहीं कहीं होगा, ये रहा ये वो टेंपल है। तो यहाँ पर हमें वो तीन एग्स लगा देने हैं, तो इससे मतलब के इन लोगों का मानना है कि वो चार्ज मतलब के इससे पता नहीं क्या होगा, मरने लग जाएगा पता नहीं। भाई मैं उतर जाता हूँ, ये ब्रेक लगा देगा, ये रहा बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर उतरा। हाँ क्या है बुढ़ी माँ, वो तुम्हारे पीछे भाई आग लगा ना मजे से खड़ा है शोफ लगा के। तो गाइस इसने पता नहीं मुझे कुछ बोला, शायद ऊपर होगा, इसने फायर थ्रोअर के बारे में मतलब कुछ बोला, और ये स्क्रैप्स फायर थ्रोअर इसका शायद इधर है, मैं ढूंढ ले तो इसका पता नहीं मुझे सही से खुद समझ नहीं आया। और ये आग बुझा दिया मैंने सामने का डर से। I don't want to see it anywhere near here again. Shoot that. तो गाइस शायद मुझे फ्लेम थ्रोअर मिल गया, मैं ये रहा फ्लेम थ्रोअर, फायर रेट अच्छा, डैमेज यार कम है, इसका डैमेज कितना है, यूज कैसे करते हैं ये, तो ये नहीं आ ये रहा ये रहा। अरे भाई भाई इतने जल्दी गर्म हो जाते हैं ये तो। हाँ हम लोगों के पास दो दो वेपन है, चार्ल्स भैया तो गई हो रहा था, पास में जल्दी चलते हैं, वो ट्रेन दूर नहीं जा भाई,
दूर जा रहे यार, दूर नहीं जा, मेरे को डर लगती है, वही दरवाजा खोल रहा हूँ मैं। आए स्क्रैप्स, ओ ये मेरे को डर लग रहा है। पीक करके चेक कर लेता भाई, मुझे डर लग रहा है, भागूंगा भी नहीं। ए, इसको जल्दी से कॉल देता हूँ। इजी। तो गाइस इधर से मुझे पेंट का डब्बा मेरे फालतू, मुझे बहुत गंदा और डर लग रहा है, बहुत गंदा। सीटी कौन बजा रहा है मुझे भाई, सीटी का आवाज आ रहा है। गाइस मैं स्लो स्लो तो जा रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। इधर मुझे बहुत गंदे गंदे सीटियों की आवाजें आ रहे हैं। पीछे बंदा पड़ गया, इसके हाथ में गन है, इसके हाथ में गन था। ए भाई आ रहा मेरे पीछे, पीछे चला गया भाई, मेरा हालत खराब हो गया यार। नहीं आ रहा और मैंने देख लिया उसे, राउंड लगा रहा था, राउंड राउंड भाई। सीटियों की आवाज आ रही मुझे, भैया देख वहां गया, मैं इधर से कट लेता हूँ भाई, हालत खराब हो गया। एक तो मैंने पहले एक तो चुरा लिया, फिर जल्दी से कट लेते हूँ, पकड़ नहीं ले। जल्दी चल ट्रेन में बैठ जाओ और स्क्रैप आ जा भाई, हालत खराब हो गया। ये ग्रीन मिल गया, ग्रीन कैसे है वो, ये अच्छा है। तो गाइस इस गेम को भी कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू में। ओपी लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। आज के लिए थैंक यू वाचिंग, बाय बाय।